द गाइनेशियम। तो गाइनेशियम क्या चीज था ये बताइए सबसे पहले, व्हाट इज गाइनेशियम? ग्रुप ऑफ कार्पल्स। सो दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां लिखा है मैंने पार्ट्स प्रेजेंट इन फ्लावर, क्या मतलब है इस बात का? हाँ जीबा जल्दी से बताओ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, सो जो फ्लावर में दीपाली 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 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन फ्लावर, क्या मतलब हुआ दीपाली जरा बताओ? जो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे पार्ट्स को एक साथ हम क्या कहते हैं? गाइनेशियम। दैट इज अ गाइनेशियम। क्या ये बात सही है जेबा? यस सर। ओके, अब मैंने कहा कि एक है मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, मोनो माने वन, एंड व्हाट अबाउट द कार्पेल? फ्रूट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दैट इज अ कार्पेल का नाम नहीं सुना, पिस्टल का नाम नहीं सुना आपने? कार्पेल पिस्टल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कही तो मतलब यही था, दैट इज अ पिस्टल या कार्पेल। यस सर जी, दैट इज कार्पेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद है ना? ये नहीं याद है? यस सर। तो ये कार्पेल यहां पर कितनी होंगी, एक या अनेक? एक। एक, तो मोनोकार्पलरी कंडीशन में क्या होगा? व्हेन फ्लावर हैव, क्या होगा? हैव सिंगल कार्पेल। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज अ पॉलीकार्पलरी। क्या टर्म है? पॉलीकार्पलरी। बताइए पॉली माने क्या होता है? मेनी, मल्टीपल, मेनी। दैट इज, नेहा ने बताया मेनी। एंड व्हाट अबाउट द कार्पल? क्यों नेहा, कार्पल क्या है? दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका मतलब फ्लावर के अंदर कितनी कार्पल होंगी? मेनी, मेनी। मैंने कहा कि व्हेन फ्लावर हैव many carpels, क्या ये बात सही है? Yes sir, yes sir। Okay, तो अब आप इसको क्या कह देंगे? That is a polycarpellary। Polycarpellary की बात की जाए तो polycarpellary में हो सकता है apocarpus condition हो, क्या हो? Apocarpus condition। या फिर क्या हो सकता है? Syncarpus। That is syncarpus। Apocarpus में क्या होगा? ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जल्दी बताइए। एपो का मतलब क्या था? हाँ जी, एपो माने विदाउट, और कार्पस मतलब फ्यूजन। That is कार्पस का क्या मतलब है? फ्यूजन। That is a fusion। बात यहां तक समझते हैं? तो इसका क्या मतलब बन गया? मतलब कार्पल फ्यूज नहीं है। कार्पल फ्यूज नहीं है, इसका मतलब कार्पल क्या है? हाँ जी, क्या है फिर कार्पल्स? फ्री। तो कार्पल्स फ्री हैं। तो मैंने कहा कि व्हेन फ्लावर हैव कितनी कार्पल्स? Have many carpels and all are free। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि फ्लावर के अंदर बहुत सारी कार्पल्स हैं और सारी कार्पल्स आपस में क्या हैं? Free। Free हैं। Example क्या है? That is a lotus, जैसे Michaelia। Michaelia। इसी तरह रोज, ये सब के अंदर कार्पल क्या होंगी जल्दी से बताइए? फ्री या फ्यूज्ड? दैट इज फ्री होंगी। क्लियर है? सिन के मायने क्या थे? विद।
दैट इज फ्यूज्ड। फ्यूज्ड इसका मतलब सिनकार्पस का मतलब क्या हो जाएगा? जब कार्पस फ्री ना हो फ्यूज्ड हो। कार्पल्स आर फ्यूज्ड हो जाएंगी। तो बताइए क्या लिखूं मैं इसमें? When flower have many carpels and all are fused. When flower have many carpels and all are fused. And all are fused. क्या ये बात सही है? Yes sir. Yes, okay, sir. Example. So that is a papaver. Papaver जानते हैं किसे कहते हैं? No sir. पापा। अच्छा चलिए, फिलहाल पापावर कहते हैं बेसिकली भांग का। नाम सुना है कभी भांग का? हाँ जी सुना है कभी? यस नहीं सर, सुना है। यस सुना सर। है तो भांग इसी पेड़ पर आती है। डेट इज अ पापावर सोमनिफेरम। भांग नहीं है बल्कि ये भी एक तरीके का, ये भांग का तो होता है कैनाबिस सटाइवा। पापावर सोमनिफेरम जो है ये भी एक तरीके का, यार पता नहीं क्या निकलता है, वो भी एक मतलब नशा करने टाइप का ही कोई चीज निकलती है। टाडेजा पापावर सोमनिफेरम, समझ गए? पापावर पेड़ है। तो एक और है टाडेजा हिबिस्कस। हिबिस्कस किसको कहते हैं? चाइना रोज। चाइना रोज इसी तरह मस्टर्ड है, ठीक है। इसी तरह हाँ सरसों। इसी तरह टोमेटो है। आपने साइंटिफिक नाम तो याद किए नहीं है सर, क्यों नहीं किए? मुझे क्या पता किया है नहीं किया है। यहाँ पर लिख लीजिएगा डेट इज अ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नाम बताइए जल्दी से। मैंजिफेरा इंडिका। डेट इज अ मैंजिफेरा इंडिका। क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। नया ने तो याद किया नहीं है इसलिए बेचारी खामोश बैठी है। है या नहीं है नेहा? मस्टर्ड का नाम क्या है? मस्टर्ड का नाम बताइए। मस्टर्ड इज अ ब्रासिका। हां जी जुनशिया। क्या है? ब्रासिका जुनशिया। और नेक्स्ट क्या है टोमेटो का? लाइकोपर्सिकॉन स्कुलेंटम। ओफ छा गए गुरु, छा गए सेवा, छा गया सच में। याद किया था लाइकोपर्सिकम। हमने याद किया था बिल्कुल, मुझे पता है ये बात। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, क्योंकि अगर आप देख भी लेते ना, अगर आप देखते तो इतनी फ्रीक्वेंटली और इतनी तेजी से नाम नहीं ले सकते थे इसका। समझ रहे हैं क्या नाम है इसका? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लेकिन एक बात बोलूं मैं आपको, Yes, sir. ये टोमेटो का नाम अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्यों? हार्ड नेम याद किया हमने मुश्किल से। डेट इज लाइको लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। अब जो नाम है इसका सोलेनम एस्कुलेंटम नाम है। क्या नाम है? सोलेनम एस्कुलेंटम। और पहले क्या था? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लेकिन आपको यही काम करना है, बस यही याद रखना है। तो ये अभी कहीं नहीं जा रहा, अभी ये जिंदा है यहीं पर। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? Yes, sir. नहीं सर, अभी लिख रहा है, एक मिनट। ओके 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 लिखिए जेबा। जेबा कल कहाँ थी आप? सर वो हमारी कजिन की वेडिंग है तो उन्होंने हमें शॉपिंग करवाने के लिए ले गए थे वो। बताइए, इनफैक्ट उन्हीं के घर पे बैठ के कर रहे हैं क्लास और सब। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि शादी उनकी है, कपड़े आपके आ रहे हैं नए, मतलब ये देखिए आप। हाँ हमारे घर की पहली शादी है। नहीं आपके घर की पहली शादी है, सबके घर में पहली पहली होती है, दूसरी कौन लाता है? प्लेसेंटेशन पे आते हैं, जल्दी करिए। हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर। ओके चलिए। अच्छा ये बताइए कि कभी आपने खीरा देखा है? खीरा? यस सर। कुकम्बर? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, कुकम्बर ऐसे कट किया है, स्लाइस बनाए ऐसे? यस सर। और ऐसे करके अगर आपने स्लाइस बनाए हैं, बीज बीज होते हैं तो उसमें ऐसे करके सीड लगे होते हैं, कभी हॉर से देखा है? यस सर। नहीं देखा? देखा है। श्योर? और yes, ऐसे sir. करके चैम्बर बने होते हैं ऐसे करके, शायद कभी देखा हो आपने खीरे में? देखा नहीं देखा? यस सर।
अगर देखा है आपने इस तरीके का चैम्बर, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये क्या है, ये सीड, ये ज्यादा सीड। और अगर फर्टिलाइजेशन से पहले की बात कर लेते तो क्या कहलाते हैं आप इसको? ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल। क्लियर है बात, नहीं है? यस सर। यस सर। ओके, आपने कभी मटर देखी है? देखिए मटर भी ऐसी होती है। यस सर। यस होती है मटर। और मटर को अगर आप देखें तो ऐसे करके मटर के दाने लगे होते हैं। लगे होते हैं दाने, नहीं लगे होते? यस सर। ओके, एक और चीज है कि ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है जिससे ये लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या है? हाँ जी, क्या कहते हैं? लैमिना? नहीं, ये ऐसे करके सीड, ये तो देखिए ये जो है दिस इज अ ओव्यूल। ये क्या है? दिस इज क्यूनिकल। नहीं, दिस इज क्यूनिकल। कहां से पोलन ट्यूब आ जाएगा? हद होती है वो एम्ब्रियस। दिस इज अ क्यूनिकल। क्यूनिकल का मतलब है दैट इज एन स्टॉक ऑफ ओव्यूल। स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या कहलाता है? क्यूनिकल। अगर आप इसे यहां से कट कर लेंगे, यहां से, और ऊपर से देखेंगे तो कुछ आपको ये मटर ऐसी नहीं नजर आएगी। देखिए ऐसे नजर आएगी कटिंग, और ऐसे दाना नहीं लगा होगा, ये ऐसे करके ओव्यूल नहीं लगा होगा। बताइए, दिस इज एन ओव्यूल। यस सर। ऐसे लगा है, नहीं लगा? ये सारे ओव्यूल इस वाले मार्जिन पे नहीं लगे हुए हैं, देखिए जरा। लगे सारे ओव्यूल इस मार्जिन पे लगे हैं, इस वाले पे लगे हैं, ए पे लगे हैं, बी पे लगे हैं, ए पे सारे के सारे लगे हैं, नहीं लगे बताइए। यस सर। ठीक है, क्या चीज लगे हुए हैं? ओव्यूल। ओव्यूल लगे हुए हैं। तो अब कभी जब आपने मटर को कभी छीला है, मटर को खोला है कभी? yes, नहीं sir. अगर मटर को आपने खोला है तो अंदर जहां पर, जिस जगह पर ये सीड मौजूद है, उस जगह को हम कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहलाता है? प्लासेंटा। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? yes, sir. अच्छा चलिए, ये प्लासेंटा कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? वेयर सीड्स आर प्रेजेंट। क्या ये बात सही है? yes, sir. अच्छा चलिए, प्लासेंटा तो रिप्रोडक्शन में भी कुछ पढ़ा था। हाँ, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अलग है। यस सर। यस सर। और ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, ये हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। यहाँ पर अभी प्लांट्स के प्लासेंटा की बात हो रही है, समझ गए? यस सर। तो आप, यह समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है जी? आ रहा। हाँ, तो अभी हम कौन से प्लासेंटा की बात कर रहे हैं? प्लांट्स के। प्लांट्स के। और प्लासेंटा कौन सी जगह होगी? आपने कभी एप्पल को कट किया है? yes, sir. Yes, sir. और जब आप एप्पल को कट करते हैं तो एप्पल ऐसे ही होता है शायद? yes, sir. और बीच में अगर देखा है यहाँ पर ऐसे करके सीड लगा होता है? yes, sir. Yes, sir. इसको आपने ऐसे कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया। Yes, इस वाले पार्ट को कभी देखा है आपने, कटा हुआ जिसमें ये सीड लगा हुआ था, देखा है ये वाला पार्ट? yes, सर्कुलर होता है, इसके अंदर सीड होता है। हाँ, इसको कभी दांत से चबा के देखा इस पार्ट को? कड़वा होता है। yes, अरे ये प्लास्टिक की तरह लगेगा। प्लास्टिक टाइप। यस, ये प्लास्टिक की तरह हार्ड सा लगेगा। कभी देखा है गौर करके? प्लास्टिक जैसा हार्ड नजर आएगा। और जब प्लास्टिक जैसा हार्ड नजर आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। ये प्लासेंटा ही है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? प्लास्टिक वाला। हाँ, वो प्लास्टिक जैसा जो है, दैट इज अ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा कौन सी जगह थी बताइए? जहां पे सीड्स प्रेजेंट। सीड्स प्रेजेंट। सीड्स प्रेजेंट है या ओव्यूल प्रेजेंट है? हाँ, है ना? यस सर। ओके, तो अब सवाल आता है कि व्हाट इज प्लासेंटेशन? तो मैंने कहा दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन प्लासेंटा। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन प्लासेंटा इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? yes, हाँ जी। मैंने कहा द स्ट्रक्चर इन विच ओव्यूल्स आर प्रेजेंट
ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता था ये स्ट्रक्चर? प्लेसेंटा. तो इज कॉल्ड प्लासेंटा. क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर. ओके आगे बढ़ जाऊं. तो इसका पहला टाइप देख लीजिए. पी में प्लेसेंटा कहा था? पी में. अरे मटर को जब आप छील लेंगे तो ऐसे करके एक ऐसे पार्ट हो जाएगा, एक ऐसे पार्ट हो जाएगा, और इस पर ऐसे लगे हुए होंगे, ऐसे करके लगे होंगे. अभी देखा है गौर से? नहीं. तो जहां मैंने ये जो डॉटेड बनाए हैं, ये वाला दिस इज द प्लासेंटा, ये है प्लासेंटा. ओके ये प्लासेंटा है, ये वाला अंदर देखा कभी? पी के अंदर झांक के देखेंगे जब आपने खोल दिया मटर को, तो अंदर को मॉइस्चर जैसा नजर आएगा, मॉइस्चर के जैसा. और जब मॉइस्चर जैसा नजर आ रहा है तो डेट इज नोन एज अ प्लासेंटा, उसी को कहते हैं प्लासेंटा. ठीक है या नहीं है? तो नेक्स्ट करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं डेट इज अ टाइप्स ऑफ प्लासेंटा. डेट इज अ टाइप्स ऑफ प्लासेंटा. किसके टाइप्स की बात हो रही है? प्लासेंटा. तो पहला है प्लासेंटेशन की बात हो रही है. That is a placentation. हाँ जी. Unical angiosperm भी होता है. बिल्कुल angiosperm. अरे सीधी सी बात है. Stalk of seed. Stalk of seed is funicle. Funicle का मतलब है seed की जो stalk है, जिसके जरिए seed placenta से जुड़ा हुआ है. That is called as funicle. तो स्ट्रक्चर इन विच ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा, विच मैंने कहा कि ओव्यूल्स आर अटैच बाय फ्यूनिकल. ओव्यूल किससे, किसके थ्रू अटैच होंगे? फ्यूनिकल इन प्लासेंटा. इन प्लासेंटा. अब कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. नहीं आई है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन पर. तो पहला है डेट इज अ मार्जिनल प्लासेंटेशन. कौन सा है? मार्जिनल प्लासेंटेशन. मार्जिनल प्लासेंटेशन. दूसरा है एक्साइल प्लासेंटेशन. कौन सा प्लासेंटेशन? एक्साइल प्लासेंटेशन. और तीसरा है पैराइटल प्लासेंटेशन. दैट इज पैराइटल प्लासेंटेशन. ठीक है. फोर्थ नंबर पे आ जाइए तो दैट इज अ फ्री सेंट्रल. फिफ्थ नंबर पे आ जाइए तो दैट इज बेसल. और सिक्स नंबर पर आ जाइए तो आ जाइए सुपरफिशियल. दैट इज सुपरफिशियल प्लासेंटेशन. तो बताइए प्लासेंटेशन कितने टाइप का है? सिक्स. हाँ जी सिक्स तरीके का. कौन कौन सा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्सिल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल. फ्री सेंट्रल, बेसल एंड सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन. बेसल एंड सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन. कंप्लीट हो गया? नहीं. यस सर. आगे बढ़ जाऊं? मेहंदी वाला था तो मैं क्या करूं? आगे बढ़ जाऊं? yes, या नहीं? तो आइए फिर दैट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन. कौन से वाले प्लासेंटेशन की बात हो रही है? मार्जिनल प्लासेंटेशन. दैट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन. मार्जिनल प्लासेंटेशन की बात करें तो मैंने कहा कि ओव्यूल्स आर अरेंज ऑन सिंगल
मार्जिन, एक ही मार्जिन पर ओव्यूल्स अरेंज होंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी, और उसको आप कहते हैं वेंट्रल स्यूचर, क्या कहते हैं? वेंट्रल स्यूचर, वेंट्रल स्यूचर। तो ओव्यूल किस पे लगे हुए हैं? सिंगल मार्जिन, सिंगल मार्जिन जिस पर लगे हुए हैं उसको आप क्या कह रहे हैं? वेंट्रल स्यूचर, दैट इज अ वेंट्रल स्यूचर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब अगर आप देखें ऐसे करके, अगर आप देखें तो मटर इस तरीके की होती है। हाँ जी, यस सर। और ये वाला होता है डॉर्सल स्यूचर, ये कौन सा स्यूचर है? डॉर्सल स्यूचर। और ये वाला कौन सा है? वेंट्रल, दैट इज अ वेंट्रल स्यूचर है ये। क्या ये बात समझ में आई? स्यूचर मीन, स्यूचर का मतलब है अगर आप अपने दोनों हाथ को, जैसे आप दुआ मांगते हैं ना, दुआ मांगते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ते हैं नहीं जोड़ते? यस सर। जब दुआ मांगने में दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों हाथों के जोड़ने की वजह से बीच में एक लाइन सी बन जाती है, नहीं बन जाती? बन जाती है एक लाइन सी, दैट इज कॉल्ड एज स्यूचर। यस सर, उसी को कहते हैं स्यूचर। सो स्यूचर का मतलब होता है बेसिकली इस तरीके का, अगर ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक और स्ट्रक्चर है तो ये जो बीच का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ स्यूचर। इसको क्या कहते हैं आप? स्यूचर, स्यूचर, एज अ स्यूचर। ठीक है, एक मिनट रुक। देखिए मैंने कहा कि अगर मैं टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन की बात करूं तो पहला टाइप क्या था? दैट इज अ मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा क्या था? एक्साइल प्लासेंटेशन। तीसरा कौन सा था? पैराइटल प्लासेंटेशन। फिर कौन सा था? दैट इज अ प्री सेंट्रल। फिर क्या था? दैट इज बेसल। और फिर कौन सा था? सुपरफिशियल। तो दैट इज सुपरफिशियल, यहाँ पर सुपरफिशियल नहीं दिखाया है। अब देखिए है क्या बात, सच्चाई क्या है? मैंने कहा कि देखो ये स्ट्रक्चर है कार्पल का, क्या है ये? कार्पल। कार्पल के बाद अगर देखा जाए तो ये पोर्शन था ओवरी, क्या है ये? ओवरी। और ओवरी जो है वो क्या बन जाती थी, याद करिए जरा, ओवरी किसमें चेंज होती थी? ओवरी फ्रूट, फ्रूट में चेंज हो जाती थी, क्या ये बात सही है? तो इसका मतलब फ्रूट के अंदर क्या चीज लगे हुए थे? सीड्स, दैट इज ओव्यूल या सीड लगे हुए थे, नहीं लगे थे? Yes, okay. तो फ्रूट के अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर, फ्रूट के अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्पेस में सीड लगे हुए थे, ओव्यूल लगे हुए थे, उसको आप कहते थे प्लासेंटा। उसको क्या कहते थे? प्लासेंटा। तो दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा, क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, ठीक है। अब जरा ये देखिए कि यहाँ पर देखिए ये फ्रूट है, ये पूरी ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हुई है, और जब ये ओवरी फ्रूट में चेंज हुई है तो इसमें अगर आप देखें तो देखो ये मार्जिन है, ये वाला मार्जिन देख रहे हैं, ये वाला मार्जिन? यस सर। और इस मार्जिन पे देख रहे हैं सीड लगे हुए हैं, देख रहे हैं इस मार्जिन पे सीड लगे हैं? तो देखो इस मार्जिन पे सीड लगे, नहीं लगे? देखो इसके अलावा किसी और मार्जिन पे लगे हैं? यस सर। इसके अलावा किसी और मार्जिन पे तो नहीं लगे? नो सर। आपने कह दिया कि जब मार्जिन पे लगे हुए हैं ओव्यूल तो आपने प्लासेंटेशन को नाम दे दिया, दैट इज अ मार्जिनल प्लासेंटेशन। क्या नाम दे दिया? मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन। बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी। तो ये जिस तरफ ये लगे हुए हैं दैट इज अ वेंट्रल स्यूचर, दिस इज अ वेंट्रल स्यूचर, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस यस सर। अब दूसरा क्या था? दूसरा टाइप का कौन सा है? दैट इज एन एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल का मतलब होता है एक्सिस के, क्या है? एक्सिस के है, क्या ये बात समझ में आ रही है? एक्सिस के, एक्सिस जानते हो नहीं जानते? यस सर। नहीं जानते, अच्छा चलिए ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये सर्किल है और सर्किल का तो सेंटर है जिस पर रोटेट होगा ये सर्किल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस। उसको क्या कहते हैं आप? एक्सिस। तो देखो यहाँ पर एक्सिस पे नहीं लगे हुए हैं, देखो जरा। यस सर। एक्सिस पर जब ओव्यूल लगे हैं तो इसको क्या कहा आपने? एक्साइल प्लासेंटेशन। में क्या लिखेंगे आप, क्या बताएंगे?
हाँ जी, पहली चीज ठीक है, और एक ओव्यूल अरेंज है एक्सिस पर या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो देखो ऐसा था कि ये वाला जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये यहाँ पे जो रेड मैंने दिखाया, दिखाई दे रहा है? Yes, ये sir. एक कार्पेल है, ये मैंने कहा एक और कार्पेल है, ये मैंने कहा एक और कार्पेल है, तो क्या यहाँ पे एक कार्पेल है, एक से ज्यादा कार्पेल है? एक से ज्यादा है। और ये सारी कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है या नहीं है? नहीं। अरे भैया फ्यूज्ड है तभी तो एक सिंगल फ्रूट बन रहा है। नहीं है। अगर ये फ्यूज्ड हो है तभी तो एक फ्रूट बन रहा है, वरना सब अलग 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 नहीं हो जाते, बताइए। Yes, यहाँ पे कितनी कार्पेल होंगी जरा इसमें बताइए? एक। यहाँ पे एक कार्पेल होगी, क्यों एक कार्पेल है? क्योंकि चैम्बर यहाँ पर सिर्फ एक ही है, एक ही कमरा है जिसके अंदर सारे ओव्यूल्स हैं। यहाँ पे अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग कमरा अलग अलग कार्पेल से आया है। नहीं आई बात समझ? आ गए। तो इसका मतलब एक्साइल प्लासेंटेशन में हमने कहा के मल्टी कार्पेल होंगी, तो डैट इज अ मल्टी कार्पलरी, ठीक है। और ये सारी कार्पेल आपस में फ्यूज होंगी या फ्री होंगी? फ्यूज्ड, फ्यूज्ड सर। तो आपने कहा सिनकार्पस, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गाइनेशियम, क्या ये बात सही है? यस सर। क्या कहा मैंने? मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गाइनेशियम, बात समझ रहे? Yes, sir. अच्छा फिर मैंने कहा कि ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर, क्या है मल्टीलोक्यूलर? मल्टीलोक्यूलर का मतलब है मैनी चैम्बर्स। ओवरी के अंदर अगर देखेंगे तो कई चैम्बर हैं, तो देख लो कई चैम्बर नहीं है इसमें? Yes, sir. एक ये चैम्बर था, एक ये चैम्बर था, एक ये चैम्बर है, तो एक से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? Yes, तो ओवरी क्या हो गई? मल्टीलोक्युलर। मल्टीलोक्युलर का मतलब, लोक्युलर मतलब क्या होता है? चैम्बर, 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 चैम्बर। तो यहाँ पर चैम्बर। तो ये बताइए कि इस वाले केस में, मटर वाले केस में चैम्बर एक था या अनेक थे? एक, एक, एक। तो इसका मतलब क्या होगा मटर के केस में? क्या होगा? यूनिलोक्युलर, यूनिलोक्युलर। यूनि माने वन, सिंगल वन। मोनो माने वन, तो दोनों सही है, चाहे आप मोनोलोक्यूलर कहें चाहे आप यूनिलोक्यूलर कहें, बात सही है। क्लियर है? यस सर। ओके आगे बढ़ जाऊं, ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। एंड ओव्यूल्स कहाँ अरेंज होंगे? एंड ओव्यूल्स आर एक्सिस अरेंज ऑन एक्सिस, क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके एग्जाम्पल बताइए, इस तरीके का प्लासेंटेशन आपने कहाँ देखा है बताइए जल्दी से? नींबू कट किया है? यस सर। नींबू में ऐसे ही सेक्शन बने होते हैं, देखिएगा गौर से, ऐसे ही चैम्बर होते हैं नींबू में। कभी देखा है नींबू में? नहीं देखे सर, चैम्बर नहीं देखा। ऐसे करके चैम्बर बने होते हैं, ऐसे 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 चैम्बर होते हैं। कभी गौर से नहीं देखे, ऐसे सीड होते हैं, यहाँ पर एक सीड है, ये 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 सीड है, सीड तो भर भर के होते हैं। हाँ तो ये भरे हुए यहाँ पर है, हर एक चैम्बर में एक एक सीड लगा मिलेगा आपको, हर चैम्बर में, हर लॉक्यूलर के अंदर, हर लॉक्यूल में एक चैम्बर एक सीड होगा। आज समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये लेमन है, चलिए एक मिनट देख आता हूँ मैं लेमन भी आपको। हाँ जी ये बताइए कि पैराइटल वाले में आपने देखा था कि यहाँ पर यूनिलोक्युलर था पैराइटल के अंदर और सिनकार्पस ओवरी थी, और ओव्यूल जो थे वो इनर लाइनिंग ऑफ ओवरियन वॉल पे लोकेट कर रहे थे, ठीक है? यस सर। इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इमेजिनरी पार्टीशन के जैसा नजर आता है, इमेजिनरी पार्टीशन, और इस इमेजिनरी पार्टीशन को फॉल्स सेप्टम को आपने क्या नाम दिया था? रेप्लम। क्लियर है बात? What is the difference between the axial placentation and precentral placentation? Precentral unilocular है। यानी precentral unilocular है और ये
ये कैसा है? मल्टीलॉक्युलर है, क्लियर है बात। तो आइए फ्री सेंट्रल पर, तो मैंने कहा कि ओवरी इज यूनिलॉक्युलर, ओवरी इज यूनिलॉक्युलर, ठीक है, और सेप्टम होगा या नहीं होगा? नो सर, बताइए। सेप्टा इज एब्सेंट, तो सेप्टा जो होगा वो एब्सेंट होगा, नहीं? एंड ओव्यूल्स आर अरेंज ऑन एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल्स आर अरेंज ऑन किसके अक्रॉस? सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अक्रॉस। एग्जाम्पल की बात करें तो डैट इज अ प्राइम रोज, ठीक है, प्राइम रोज हो गया, इसी तरह डायंथस हो गया, ये है फ्री सेंट्रल, क्लियर है बात, नहीं है? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, डैट इज अ बेसल प्लासेंटेशन, कौन सा है? बेसल, बेसल प्लासेंटेशन है, तो ओवरी इज यूनिलॉक्युलर, ओवरी कैसी है? यूनिलॉक्युलर, यूनिलॉक्युलर का मतलब क्या हुआ? सिंगल चैम्बर, सिंगल चैम्बर, एंड सिंगल ओव्यूल होता है इसके अंदर, कितने ओव्यूल होंगे? सिंगल ओव्यूल, ओवरी इज यूनिलॉक्युलर एंड सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी, क्या मतलब है इस बात का? सिंगल ओव्यूल होगा ओवरी के बेस पे, और ओवरी के बिल्कुल नीचे की तरफ लोकेट करेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ, क्लियर है बात, नहीं? जैसे एग्जांपल की बात करें तो वीट के अंदर अगर आप देखिए, वीट में देखा कभी? वीट में इतना और नहीं गया। इसी तरह फ्लावर में, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इसी तरह मैरीगोल्ड में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पोएसी फैमिली में, कौन सी फैमिली? पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली वीट फैमिली है, जिसमें वीट, चावल, राइस ये सब आ जाएंगे, ज्वार, बाजरा, बाजरा सब आ जाएगा, कुछ बातें यहां तक समझ में आ गई, आगे बढ़ूं? यस सर। नहीं, अच्छा एक और चीज है, जरा इसको भी देख लीजिए, That is a basal placentation. अगर आप देखें तो ये है, देखिए basal placentation. देखिए बिल्कुल बेस में जाके देखिए ovule लगे हुए हैं. देख रहे हैं बिल्कुल बेस में जाके ovule लगे हुए हैं? नहीं, ये दिखाई दे रहे हैं ovules? नहीं, इसी तरह यहां पर भी देखिए, ये बिल्कुल नीचे जाके ovules हैं, देखिए यहां है, देखिए ये रहे, और ovary हमेशा inferior होगी यहां पर, इस केस में ovary कैसी होगी? Inferior. Inferior. बात जानते हैं? नहीं जानते inferior को? Yes, sir. Okay, ये basal placentation को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भी देख लीजिए, डैट इज अ सुपरफिशियल, एक्सप्लेन कर दिए, नेटवर्क इशू हो गया था हमारी पूरी। अच्छा ठीक है, रोइए नहीं, रोइए नहीं, अल्लाह के वास्ते जी। ये देख लीजिए जरा, मैं कह रहा था कि ये basal placentation था, हाँ basal placentation था ये, तो पहली बात इंफीरियर ओवरी जो होगी, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी कब होती थी? जब फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर सबसे ऊपर होंगे और ओवरी सबसे पीछे रह जाएगी, जैसे कि अनार में थी, जैसे कि अमरूद में थी, याद है? यस सर। तो मैंने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो सारे फ्लोरल पार्ट आगे हैं, देख लीजिए सारे फ्लोरल पार्ट आगे और ओवरी सबसे पीछे है या नहीं है? और ओवरी सबसे पीछे है, और उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ लगे हैं, देखो ऐसे लगे हैं ओव्यूल, सबसे नीचे की तरफ लगे हैं, देखो ये लगे, इस नीचे वाले पार्ट पे लगे हैं ओव्यूल, तो दिस इज कॉल्ड एज बेसल प्लासेंटेशन, क्या कहलाता है? बेसल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ओके, अब जरा इसको देखिए, दैट इज लोटस के अंदर देखिएगा कि कैसा होता है सुपरफिशियल, ये दिखाई दे रहा है सुपरफिशियल, ये वाला, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला?
दिस इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल। ये वाला जो एफ, ये जितने फिगर्स हैं ये सब, ये सारे के सारे सुपरफिशियल हैं। आपने कभी उसका नाम सुने, क्या कहते हैं, मखाने का नाम? यस सर। देखे मखाने, ये मखाने यही निकलते हैं, इसमें निकलते हैं मखाने, ये इसमें मखाने निकलते हैं, ये वाले, समझ रहे हैं, इनके अंदर निकल रहे मखाने, समझ गए बात या नहीं? यस सर। ओके, तो आइए फिर जल्दी से, इधर बेसल प्लासेंटेशन हो गया था, समझ में आ गई बात? यस सर। नेक्स्ट आइए सिक्स वाले पर, कौन सा है? सुपरफिशियल। दैट इज अ सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। सुपरफिशियल की बात करें तो अभी आपने देखा था इतने सारे चैम्बर थे, याद है? यस सर। तो कंडीशन कौन सी होगी? मल्टी कार्पलरी। पहली बात तो मल्टी कार्पलरी होगी, तो मल्टी लॉक्युलर हो जाएगी, मल्टी कार्पलरी। और सिनकार्पस, एपोकार्पस? सिनकार्पस। दैट इज अ सिनकार्पस, मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस, सारी के सारे फ्यूज कर गए। और मल्टी लॉक्युलर, क्या ये बात सही है या नहीं? यस सर। मल्टी लॉक्युलर गाइनेशियम, दैट इज अ मल्टी लॉक्युलर गाइनेशियम। समझ गए या नहीं समझे? सही, सारे सिनकार्पस थे ना? यस सर। हां, सिनकार्पस का मतलब सारे के सारे कार्पल फ्यूज्ड हो गए? नहीं नहीं, जो छह टाइप से सारे सिनकार्पस थे ना? सारे सिन, एक से ज्यादा हैं तो सिनकार्पस है, और अगर एक है तो इसका मतलब है मोनोकार्पलरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए वाटर लिली। इसका एग्जांपल क्या है? वाटर लिली। वाटर लिली किसको कहते थे? लोटस। अभी दिखाया था लोटस, नहीं दिखाया था? यस सर। इसी का ही नाम है निम्फिया। दैट इज निम्फिया, दैट इज अ निम्फिया, पढ़ते हैं इसको। यहां तक कंप्लीट हो गया? यस सर। नहीं हुआ? हो गया, हो गया। चलिए एक काम कीजिए, तो बात करते हैं अब हम लोग दैट इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज की। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल हमारे सिलेबस में जो है वो चार फैमिलीज हैं। मेरा नाम क्या है? सर, यही नाम है, कुछ और भी होगा शायद। ठीक है, तो एक पहले तो है फैबेसी, एस से है सोलेनेसी, और एल से है लिलिएसी। कौन सी है? लिलिएसी। बात समझ में आ गई या नहीं आई है? यस सर। ओके, एक और फैमिली है जो यहाँ बी से है, दैट इज अ ब्रैसिकेसी। फिलहाल मैं ब्रैसिकेसी को यहां पे लिखना चाह रहा था कि यहां पर इस जगह पर अगर आप देखें तो देखिए, पहली बात दोबारा से सुन लीजिए, मैंने कहा कि ये मैंने अपना नाम लिखा है। ठीक है, ए के फौरन बाद क्या आ जाता है? दैट इज बी ना, बी। तो फिलहाल यहां पे पहले कौन सी फैमिली है? दैट इज फैबेसी। ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या आया? दैट इज बी, तो दैट इज अ ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी। ठीक है, फिर ऐसे क्या आया? सोलेनेसी। फिर क्या आया? लिलिएसी। ये आपको इसी सीरीज में याद रखिएगा, समझ रहे हैं? तो फिलहाल कितनी फैमिलीज पढ़नी है हमें? चार। दैट इज फोर। बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, तो चलिए फिर पहली बात, मैं यहां पर कुछ सिंबल्स की बात करता हूं जो हमें सिंबल्स को यूज करना पड़ेगा आगे। तो पहले मैं सिंबल्स की बात कर लेता हूं कि आखिर कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनका यूज होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं लिख देता हूं सिंबल बी आर, तो इसका क्या मतलब होता था, जल्दी बताइए? ब्रैकेट। जी, ब्रैकेट का क्या मतलब था? ब्रैकेट का मतलब क्या था? ब्रैक प्रेजेंट होगा, ब्रैक प्रेजेंट होगा जी। और EBR का क्या होगा? E-bracteate. That is an E-bracteate. पक्की बात है? तो ब्रैकेट के लिए सिंबल क्या यूज होगा?
दैट इज बी आर. बी आर और ए बी आर किसके लिए? ई ब्रैक्टिएट. ई ब्रैक्टिएट के लिए. क्लियर है बात? ये वाला जो सिंबल है यानी सर्कल के अंदर प्लस का साइन, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक. क्या है ये? एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक किसको कहते थे जल्दी बताइए? जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है. जिसमें रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री. और ये परसेंटेज वाला साइन जब लगेगा तो जाइगोमॉर्फिक. तो जाइगोमॉर्फिक. बायलेटरल सिमेट्री. दैट इज अ बायलेटरल सिमेट्री. दैट इज बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है, इसके बाद आ जाइए. अगर मैंने ऐसे करके एरो बनाया है, इस तरीके से एरो, ठीक है, ऐसा एरो बनाया है, तो इसका मतलब है डेट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. कौन सा फ्लावर? बाइसेक्सुअल. डेट इज अ बाइसेक्सुअल. और अगर मैंने ऐसा बनाया है तो इसका मतलब है डेट इज अ मेल फ्लावर. कौन सा फ्लावर? मेल फ्लावर. मेल फ्लावर. मेल फ्लावर का मतलब हुआ That is an staminate. कौन सा फ्लावर है? Staminate. Staminate. और अगर मान लीजिए ये बना हुआ है सिर्फ तो फीमेल फ्लावर. तो डेट इज अ फीमेल फ्लावर. कौन सा फ्लावर? फीमेल. तो दिस इज अ पिस्टिलेट फ्लावर. कौन सा? पिस्टिलेट. और ये दोनों के दोनों फ्लावर अगर याद हो तो डेट इज अ यूनिसेक्सुअल हुआ करते थे. डेट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर से. क्या ये बात सही है? यस. ओके. फिर मैंने कहा कि अगर मैंने लिख दिया ईपीआई एपी तो दिस इज एन एपी कैलिक्स. क्या है? एपी कैलिक्स. व्हाट इज कैलिक्स? ग्रुप ऑफ सैपल्स. अगर आपने चाइना रोज देखा हो, चाइना रोज, यस सर, तो चाइना रोज को अगर आप देखेंगे तो चाइना रोज आपको ऐसा नजर आएगा. गौर से देखिएगा. और इस तरीके के ऐसे करके अगर देखेंगे तो ऐसे करके पेटल्स नजर आएंगे. क्लियर है बात? चाइना रोज में हिबिस्कस. हाँ, हिबिस्कस में. तो ये जो पार्ट है ये सब पेटल्स है. यस सर. और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा ये क्या होगा? ओवरी. दैट इज सेपल. ये जो ग्रीन कलर के हैं ये सारे सेपल्स हैं. अब इनके अलावा नीचे मैंने कहा कि ऐसे करके भी कुछ सेपल्स होते हैं, ऐसे करके. तो ये जो नीचे वाले सेपल्स हैं इनको आप कहते हैं एपी सेपल. क्या कहलाते हैं ये? एपी सेपल्स. और एपी सेपल के ग्रुप को क्या कहेंगे आप? Epicalyx. That is an apicalyx. क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Okay. Next आइए. इसका एक सिंबल और भी यूज कर लेते हैं हम. EPI और K. ठीक है, ये भी सिंबल है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैलिक्स पर. कैलिक्स किसको कहते थे जरा जल्दी बताइए? ग्रुप ऑफ सेपल्स. तो डेट इज कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से. क्लियर है ये बात? अच्छा, कैलिक्स में एक सेपल आएगा या एक से ज्यादा सेपल्स आएंगे? एक से ज्यादा. एक से ज्यादा. और सेपल्स अगर फ्री होते हैं तो क्या कहते हैं हम उसको? सेपल्स अगर फ्री होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? और अगर के साथ कुछ होगा. और उसको अगर फ्यूज्ड होते हैं सेपल्स तो क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में मैंने आपको जिस दिन पहले दिन जब ये बता रहा था तो मैंने आपको पॉली एपो ये सब बताए थे, इसके मतलब बताए थे आपको. सर एपो तब होगा जब फ्री होंगे. और एपो के साथ साथ ये भी बताया था कि देखो एपो है या पॉली है, इन दोनों का मतलब फ्री है. सिन है या गैमो है,
तो फ्यूज्ड है, ये मैंने पहले दिन आपको बताया, ये पहले दिन जब ये स्टार्ट कर रहा था उसके पहले दिन ही मैंने बता दिया था कि ये याद रखना। तो जब सेपल्स फ्री होंगे तो क्या कहेंगे उसको? एपोकैलिप्स। That is polysepals. Poly माने मैं नहीं हो गया, फ्री, और सेपल्स मतलब सेपल्स है। सेपल्स को किससे, कैलिक्स को किससे दिखा रहे थे हम? ए से। तो यहां पे मैंने लिख दिया इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलीसेप्लस को रिप्रेजेंट करेंगे के, और नीचे एन लिख दिया है, एन। समझ गए? दूसरा क्या होगा? yes, अगर ये पॉलीसेप्लस का क्या मतलब क्या हुआ? फ्री सेपल्स। सेपल्स फ्री है। अब दूसरा क्या होगा? गैमोसेप्लस। दैट इज गैमोसेप्लस। और गैमोसेप्लस का मतलब क्या हुआ? के डैट इज ये लिखा, डैट इज फ्यूज सेपल्स। इसका मतलब यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। इसका मतलब ब्रैकेट आपको क्या बताएगा? फ्यूज सेपल्स। फ्यूज सेपल्स। दैट इज ब्रैकेट अगर लगा है तो फ्यूज्ड है, समझ लीजिएगा। ब्रैकेट नहीं है तो फ्री है, ये समझ लीजिएगा। तो ब्रैकेट लगाए तो क्या बताएगा ब्रैकेट? फ्यूज्ड। फ्यूज्ड। और ब्रैकेट नहीं है तो क्या कहेंगे इसको? फ्री। फ्री। तो कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? के। के से। अगर के एन, मैंने कहा कि मान लीजिए इसको ऐसे समझिए जैसे मैंने लिखा है के फाइव, तो इसका मतलब सेपल्स कितने? फाइव। फाइव सेपल्स है किसके अंदर? कैलिक्स। कैलिक्स में। अभी फाइव के आगे मैंने ब्रैकेट लगाया या नहीं लगाया? नहीं। यस सर। नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉलीसेप्लस है। और अगर ये ऐसे ब्रैकेट लग जाता तो क्या कहते हैं इसको? गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब क्या हो गया? फ्यूज सेपल्स। फ्यूज्ड है सेपल्स। और अगर सेपल्स फ्री होते तो पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस। और सेपल को दिखाने के लिए हम क्या दिखाएं, क्या यूज करेंगे, कौन सा सिंबल? के। के। इसके बाद आ जाइए दैट इज कोरोला पर। दैट इज कोरोला को दिखाएंगे हम किससे? सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी। सी से। अगर कोरोला के अंदर कौन आएगा, सेपल या पेटल? पेटल। तो बताओ पेटल अगर फ्री होंगे तो क्या कहलाएगा? पॉली एपोपेटलस। पॉलीपेटलस। ये जो एपो टर्म है ना, ये सिर्फ फीमेल पार्ट में यूज होगी। okay, ये सिर्फ फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट समझ रहे हैं, कार्पल। यस सर। ये कार्पल में यूज होगी। तो पॉलीपेटलस हो गया। पॉलीपेटलस का मतलब क्या हुआ? फ्री पेटल्स। फ्री पेटल्स। तो इसका मतलब सी के नीचे एन लिख दिया मैंने, समझ गए? इसका मतलब सारे के सारे पेटल्स कैसे हैं? फ्री। फ्री। अगर पेटल्स फ्यूज्ड होते तो क्या कहते? गैमोपेटलस। गैमोपेटलस। तो गैमोपेटलस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? C, N, और एन को रख देंगे हम ब्रैकेट में। तो ये हो गया गैमोपेटलस। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, उसके बाद क्या आएगा? एंड्रोशियम। तो आ गया एंड्रोशियम। दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए। ए से। अगर सारे के सारे स्टैमेंस फ्री होंगे तो क्या कहलाएगा? पॉली एंड्रस। जी, तो दिस इज पॉली एंड्रस। पॉली एंड्रस में क्या लिख दिया मैंने? डेट इज ए एन। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा, दूसरा क्या होगा? गैमो एंड्रस। गैमो एंड्रस। गैमो की जगह पे क्या टर्म यूज हो सकता है दूसरा? सिन। दैट इज अ साइन एंड्रस। सिन फीमेल के लिए नहीं है? हाँ जी,
सिन फीमेल के लिए नहीं है। देखो ये जो है ना सिन, ये वाला मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, समझ गए? एपो सिर्फ कार्पल के लिए है, और ये जो पॉली और गैमो है ये सेपल के लिए है, पेटल के लिए है, स्टैमिन के लिए है। स्टैमिन के लिए गैमो नहीं है, ये पहले ही बता रहा हूं। तो यहां पर स्टैमिन के लिए क्या आएगा? दैट इज सिन। सिन। और पिस्टिल के लिए क्या आएगा? सिन। सिन। पिस्टिल के लिए भी सिन आएगा, समझ गए? और अगर पिस्टिल फ्री होंगी तो क्या टर्म यूज होगा? एपो। 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 यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। यस सर। नेहा कहां गई? तो साइन साइन एंड्रस को कैसे दिखाएंगे? ए और एन ब्रैकेट में। क्या ये बात सही है? यस सर। नेक्स्ट कौन सा बचा रह गया? गाइनेशियम। गाइनेशियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जी जी से। ये देख लीजिए, ये ए था, ये क्या है? जी जी। तो बताइए ये जो है ये एपोगाइनस बता रही है, दैट इज एपो गाइनस। गाइनस या एपो कार्पस। अच्छा, क्योंकि कार्पेल है ना यहाँ पर, तो एपोगाइनस नहीं कह सकते? नहीं, गाइनस क्यों कहेंगे? गाइना माने तो बहुत सारे होगा। फिलहाल कार्पेल फ्री है ना, गाइनेशियम पूरा फ्री थोड़ी है। गाइनेशियम तो ग्रुप को कह रहे हैं, कार्पेल की बात हो रही है यहाँ पर। कार्पेल की सारे कार्पेल फ्री हैं। okay. समझ गए? तो डाटे देन एपोकार्पस। एपोकार्पस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बताइए। ए एन। ए एन जी बता रहा हूँ। जी सॉरी डाटे जी एन। और इसका दूसरा क्या हो जाएगा? सिनकार्पस के लिए क्या यूज होगा? जी एन ब्रैकेट। अरे जी एन ब्रैकेट में। क्या ये बात है, यहां तक समझ में आ गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए सुपीरियर ओवरी। क्या चीज? सुपीरियर ओवरी। ओवरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा सोच के बताइए जल्दी से। ओ, ओ, अरे भैया ओवरी किसमें आएगी? किसमें आएगी? इसमें आएगी? किसमें आएगी? जी। और जी के अगर नीचे मैंने लगा दिया एक बार, नीचे लगा दिया बार नहीं, यस सर, इसका मतलब ओवरी सुपीरियर, समझ गए? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए इंफीरियर ओवरी के लिए, बताइए जल्दी से। इन्फीरियर का मतलब ओवरी सबसे ऊपर हुई थी या नहीं थी, तो बार लगा के सबसे ऊपर पहुंचा दिया, बार लगा के सबसे ऊपर पहुंचा दिया ओवरी को। अब यहां पर इन्फीरियर है तो बताओ क्या करना है? ऊपर बार लगा के नीचे ढकेल देना है, तो दिस इज एन इन्फीरियर ओवरी। यहां तक क्लियर है? यस यस सर। और फिर है हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, तो इस केस में ये रही बीच में, बिल्कुल देखो बीच में, ना तो ऊपर है ना बिल्कुल नीचे है, बल्कि बीच में है ये, समझ गए? तो दिस इज द हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। यहां तक बातें समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट आइए एडेशन पर। व्हाट इज एडेशन? अट्रैक्शन, अटैचमेंट बिटवीन या फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज एडेशन। एपिफिलस बताइए, एपिफिलस किसको कहते थे, जरा जल्दी से बताइए। कल ही बताया है मैंने एपिफिलस।
बताइए आप ये फिलस किसको कह रहे हैं? आप ये फिलस कहते थे जब स्टेमेंस फ्यूज होती थी टेपल्स के साथ। स्टेमेंस फ्यूज्ड विद किसके साथ? टेपल्स। दैट इज टेपल्स, यही बात थी। और स्टेमिन और टेपल अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसीलिए टर्म यूज हुआ है एडेशन। तो स्टेमिन के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज हो रहा था अभी, जल्दी बताइए। ए। ए। और टेपल के लिए हम यूज करते हैं पी, क्योंकि टेपल किसका ग्रुप था? दैट इज अ ग्रुप ऑफ टेपल्स इज इक्वल टू पेरिएंथ, यानी टेपल का ग्रुप को क्या कहते हैं? पेरिएंथ। और पेरिएंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? पी से। पी। देख लीजिए, पी से पेरिएंथ और ए से क्या है? एंड्रोशियम या स्टेमेंस। ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हुए या नहीं है? यस सर। और जब फ्यूज्ड है तो हमने इसके ऊपर एक ऐसे कर्व्ड लाइन खींच दी है। क्या खींच दिया? कर्व्ड लाइन, जिससे ये सब पता चले कि पेरिएंथ और एंड्रोशियम या फिर टेपल और स्टेमिन आपस में फ्यूज्ड हैं। कौन कौन फ्यूज्ड है? टेपल एंड स्टेमिन आपस में फ्यूज्ड हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। नेक्स्ट आइए एपिपेटलस पर। किस पर? एपिपेटलस। एपिपेटलस में बताइए कौन कौन फ्यूज्ड है। हाँ जी, कौन कौन फ्यूज्ड है एपिपेटलस में? स्टेमिन एंड पेटल। स्टेमिन फ्यूज्ड विद पेटल। पेटल स्टेमिन को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे? ए। पेटल के लिए सी। सी। और इसके ऊपर मैंने ये दिखा दिया, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिपेटलस। नेक्स्ट आइए दैट इज अ गाइनेंड्रस पर। कौन सी कंडीशन है? गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस में कौन कौन फ्यूज्ड है? कार्पल एंड स्टेमिन। दैट इज गाइना मतलब कार्पल और एंड्रो मतलब स्टेमिन। तो स्टेमिन ये रहे और गाइना ये रही, क्या ये बात सही है? यस सर। और जब ये फ्यूज्ड हो गए तो इसका मतलब इनके ऊपर एक हमने कर्व लाइन खींच दी। यहाँ तक बातें समझ में आई सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ? यस सर। ठीक है। अब कल की जो बात होगी वो तभी पॉसिबल है